हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभी अपने फ्रेंड के दूसरे फार्म में आया हूं। जी हाँ, और वो कहीं गया हुआ है तो उसका शेड अभी मैं देख रहा हूं। चिक्स मैं आपको दिखाता हूं। अभी चिक्स हमारा आया है, आज 2 दिन का चिक्स हो चुका है। जी हाँ, जब आया मैं वीडियो नहीं बना पाया था तो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखिए, चिक्स अकेला अकेला भाग रहा है, बिल्कुल टेम्परेचर कंट्रोल में, हर एक चीज़ ओके है। जी हाँ, जब पहले दिन आया था बारिश बहुत हो रही थी तो बुखारियाँ 5 थी हमारे पास। तो फिर हमने क्या किया, 2 बुखारियाँ मेरे फार्म से लेकर हमने फिर टेम्परेचर मेंटेन किया। जी हाँ, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी और बारिश भी बहुत ज़्यादा थी, पूरे दिन बारिश रही थी तो टेम्परेचर बनाना बहुत मुश्किल था। तो फिर हमने 2 बुखारियाँ, अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बुखारियाँ लगाई हुई हैं। अभी फ़िलहाल तो मेरे ख्याल से 2-3 चल रही होंगी, बाकी बंद है, बाकी रात को जलाएंगे। हम रात को 3 जलाते हैं और फिर सुबह मॉर्निंग पर जब 2 बजे से बाहर बाद टेम्परेचर नीचे हो जाता है रात को, तो फिर हम तब 4 चलाते हैं। फिर उसके बाद तो जैसे जो खाली हो जाती है उसे भर देते हैं हम। जी हाँ, बाकी चिक्स हमारा बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है, IB का चिक्स है। और ठीक है, एंड्रोसिन हमने डाली है अभी 0.5 लीटर पानी में, आधा ml 1 लीटर पानी में। जी हाँ, और बाकी अंदर भी पर्दा लगा हुआ है, बाहर भी लगा, अंदर भी लगा हुआ है। जी हाँ, और बाकी चिक्स अकेला अकेला भाग रहा है, खा पी रहा है, यहाँ से पानी पी रहा है, वहाँ से पानी बिल्कुल नहीं पी रहा, यहाँ से पी रहा है निप्पल से। जी हाँ, निप्पल ड्रिंकर से, वो दूसरे ड्रिंकर से, चिक ड्रिंकर से पानी बिल्कुल नहीं पी रहा, बहुत कम पी रहा है। इसलिए हम इसे 2 दिन का हुआ क्योंकि चिक्स आज, इसलिए आज हम इसे इन्हें उठा देंगे। जी हाँ, चिक ड्रिंकर को उठा देंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है ये इस फार्म में। ये लाइनें इतनी अच्छी है ना, ये जो है निप्पल ड्रिंकर, ये सबसे बढ़िया, थकावट भी नहीं होती। ये मेरे पास कम से कम ये 120 बर्तन लगाता हूँ मैं। जी हाँ, पानी वाले जब मेरा चिक्स आता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है मुझे पानी भरने में, 2-3 घंटे पानी भरने में लग जाते हैं। तो मैं भी अब निप्पल ड्रिंकर करवा दूँगा। फिलहाल तो मैं सोच रहा हूँ अपना इसी फार्म करवाने के लिए, पूरा जो मेरा ओपन शेड है उसे भी इसी फार्म में करवा लूँगा। जी हाँ, नेक्स्ट शेड हो सकता है अगले साल मैं इसी शेड करवा लूँ। मेरा शेड डबल है तो जितना चूचा मेरा आता है उससे डबल आएगा। जी हाँ, तो ठीक है, चिक्स अच्छा खासा खेल रहा है। तो अभी ये मेरा दोस्त नया है, अभी इनको पता ही नहीं है पोल्ट्री के बारे में बिल्कुल भी। तो फिर लगातार मैं आ रहा हूँ अपने फार्म से और मुझे बार बार आना पड़ता है, कपड़े वगैरह चेंज करने पड़ते हैं मुझे, शूज़ वगैरह चेंज करना पड़ता, नहा कर आना पड़ता, सैनिटाइज़र होकर पूरा आना पड़ता है यहाँ पर। वो मतलब कि मेरा चिक्स बड़ा है, ये छोटा है, तो कई कई बार मैं यहाँ पर ही रुकता हूँ क्योंकि अभी मेरा दोस्त नया है इस काम में, उनको पता नहीं है। जी हाँ, तो इसका फार्म का सजेशन उसे मैंने दिया था, अभी फार्म डालो, और वो बाहर जाने की प्लानिंग में था तो मैंने बोला बाहर जाने का फ़ायदा कोई नहीं है, वहाँ पर भी तो हमने मजदूरी करनी है, फ़ायदा क्या है। तो इसलिए यहाँ पर ठीक है, अपना काम करो, जितना पैसा बाहर जाकर लगाओगे जाने के लिए, यहाँ पर ही हमारा बहुत बन जाएगा पैसा। जी हाँ, इसी शेड हमने डलवा दिया तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम हमारा 2.5-3 लाख रुपये हर लॉट में आएगा, 8.90 रुपये मिलेंगे इसे पर केजी, 8.90 रुपये पर केजी मिलेंगे इसे। और दूसरा जो ओपन शेड होता है उसे वहाँ पर मिलते हैं 7.50 रुपये और इसमें 8.90 रुपये, यानी कि 9 रुपये लगा लो, 9 रुपये मोटा मोटा लगा लो मिलेंगे पर केजी के हिसाब से। IB के AC, सेमी AC, ये सेमी AC, फुल AC नहीं है। फुल AC में पता क्या होता है, फुल AC में फीडर होते हैं, ये भी ऑटो होते हैं। जी हाँ, लेकिन हमने फीडर ऑटो नहीं लगाए,
सिर्फ हमने निपल ड्रिंकर, पंखे, यहाँ पर पैड है जो हमने ढक दिए हैं वो लगाए हुए हैं, वो पैनल है वहाँ पर, जैसे मैंने पहले वीडियो बनाई थी वहाँ पर पैनल है, कंट्रोल वगैरह सब कुछ वहाँ पर है। तो ये है, अभी फ़िलहाल यहाँ पर सो रहे थे, वहाँ पर हमने कमरे में जल्दी जल्दी बारिश आ रही थी, बुरा हमने मंगाया था जहाँ से जिससे भट्टी भरते हैं बुरादा, तो वो फिर हमने अंदर रख दिया, अभी वहाँ पर सोने की जगह नहीं, फिर हमने यहाँ पर ही, यहाँ पर फीड है वहाँ पर हमने फिर सोना शुरू कर दिया। हम यहाँ से पानी, सॉरी, यहाँ से हम मेडिसिन डालते हैं, अभी ये पानी ख़त्म होने वाला है, मैं अभी भर देता हूँ। अभी ये देखो बी है, ये हम डाल रहे हैं आधा ML 1 लीटर के हिसाब से, बच्चा छोटा है इसलिए हम आधा ML 1 लीटर डाल रहे हैं, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा उसके बाद फिर हम इसको 1 ML 1 लीटर देंगे। जी हाँ, तो यही है फार्म हमारा, और हम इसकी भी अपडेट देंगे आपको और दूसरे की अपडेट देंगे। जी हाँ, तो बाकी मैं आपको किसी दिन वीडियो बनाकर बताऊंगा कि ये फार्म कितनी पैसा लगा, कितनी इसकी कॉस्ट आई। जी हाँ, वैसे मैं आपको मोटा मोटा हिसाब करके बता देता हूँ, आप कैलकुलेशन कर लेना, 300 रुपये पर बर्ड, जितना बर्ड आप डालोगे ना उसको 300 से गुना कर लेना, उतना खर्चा इसी शेड का आएगा। जी हाँ, 300 से 320 रुपए के बीच में इतना शेड, इसी शेड का खर्चा आ जाता है। जी हाँ, तो बाकी अपने अपने हिसाब से, अपने अपने इलाके के हिसाब से आप बना सकते हो। हमने इस महंगा इसने इसलिए बनाया क्योंकि इसने ये बीच में ना लोहा ज़्यादा डाला हुआ है। तो बस ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।